12वें ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्ट का आगाज हो चुका है और ऐसे में इस जर्नलिज्म फेस्ट के साथ साथ कई सारे इवेंट्स मार्वल स्टूडियोज के प्रांगण में आयोजित करे जाते हैं। ऐसे ही एक फोटो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई जाती है, जहाँ पर जो मार्वल स्टूडियोज के फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी पिक्चर्स होती हैं वो टीचर्स को दी जाती हैं और वो कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको इन फोटो एग्जीबिशन में लगाया जाता है। ऐसी कई तरह की पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाई गई हैं। यहाँ पर भारत की संस्कृति को लेकर पिक्चर्स लगाई गई हैं, उनके कल्चर को लेकर पिक्चर्स लगाई गई हैं, कई सिचुएशंस जहाँ पे क्रिएट होती हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई हैं, भारत के त्योहारों से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई हैं। एक फ़ोटो बूथ टाइप में भी बनाया हुआ है यहाँ पर। कुछ पूजा जो बनारस की पूजा आप जानते होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आरती जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गंगा आरती, उसकी पिक्चर्स लगाई गई है यहाँ पर। छठ पूजा की पिक्चर लगाई गई है यहाँ पर। कैसे मसान को इतनी सुंदरता से, कितनी क्लियरिटी से यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसी काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पर पूरे जो हमारा स्टूडियो है वहाँ पर लगाई गई हैं। चलिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। इसके बाद मैं अब आपको ले जा रहा हूँ पेंटिंग एग्जीबिशन में। पेंटिंग एग्जीबिशन में यहाँ पर कई स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो वो खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हर पेंटिंग का अलग मतलब है और हर पेंटिंग को सिलेक्ट करा गया है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे एक जोकर का जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो फनी नहीं है, जोकर के भी मन में कुछ ना कुछ दुख होता है, कुछ ना कुछ टेंशन होती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो हम अगर डिटेल में देखें तो उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आज डांस भी आयोजित करा जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो डांस करेंगे यहाँ पे, उसको आयोजित किया जाएगा। ऐसे उधर साइड भी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उधर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे कैसे इंडियन संस्कृति को दिखाया गया है, गणेश जी की पिक्चर लगाई गई है यहाँ पे। बहुत सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे हर साल लगाई जाती हैं, ये हर इवेंट में लगाई जाती है। मार्वल स्टूडियोज़ में 4 इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन फेस्टिवल। चारों फेस्टिवल में हर बार कुछ पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगाई जाती हैं। ऐसे ही एक फ़ोटो बूथ भी इस बार क्रिएट करा गया है, बड़ा सुंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, यहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक फ़ोटो बूथ क्रिएट करा गया है। यहाँ पे फ़ोटो बूथ में जो भी गेस्ट आएंगे, टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं और बहुत ही सुंदर फोटोज़ आएंगे यहाँ पर। और एक पूरा जो भी यहाँ पर डेकोरेशन है वो स्टूडेंट्स के द्वारा करी गई है, स्टूडेंट्स उसे बनाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं और ये जो प्रिपरेशंस हैं ये 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं और 2-3 दिन पहले उनको लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। मैंने आपको फ़ोटो एग्जीबिशन दिखाई, पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाई, एक फ़ोटो बूथ भी दिखाया है। ऐसे फ़ोटो बूथ मावा स्टूडियो के प्रांगण के फ्रंट गेट पर लगाया गया है। यहाँ पे GFJN यानी ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा को दिखाया गया है, कैसे मीडिया से रिलेटेड चीज़, जो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड चीज़ है उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। कई मीडिया से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रही हैं उन हिस्ट्री को यहाँ पे ट्रीज़ के जड़ों के जरिए से, उनके पत्तों के जरिए से यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जर्नलिज्म की जो जड़ें हैं वो अलग अलग जगह फैली हुई हैं। ऐसे ही पूरे मावल स्टूडियो के प्रांगण को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अटेंडेंस बैच लगाई जाती है, जहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद उनकी अटेंडेंस मार्क होती है और वो अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, उनको अटेंड करते हैं। ऐसे ही एक फ़ोटो बूथ टाइप में, मैं तो नहीं कहूँगा पर, एक सजावट की चीज़ लगाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर सोशल क्राइम, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, लीगल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी भी बीट्स हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करी गई है और GFJN का यहाँ पर यानी ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म नोएडा का भी यहाँ पर एक प्रॉप टाइप में लगाया गया है। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से इसे इन सभी जो उत्सव होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको आयोजित किया जाता है। ऐसे ही पूरे प्रांगण में, न्यू बिल्डिंग में, ओल्ड बिल्डिंग में, हर जगह अलग अलग तरह के इवेंट्स चल रहे हैं। आगे मैं आपको कई सारे इवेंट्स में मिलवाऊंगा, लोगों से, गेस्ट से मिलवाऊंगा और इवेंट्स में आखिर हो क्या रहा है वो भी बताऊंगा। तब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा विद वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा सिंह।